वेलकम बैक टू आवर शो इंसाफ 24/7 आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त अमजद साहब हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करूंगा और उसके बाद अमजद साहब के सवाल की तरफ चलेंगे। देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलामुअलैकुम। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, अब्दुल वहीद जी। जी अब्दुल वहीद साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है जी, मैंने अपने बेटे का निकाह किया था 2009 में जी। तो वो क्या नाम लेते हैं, उसके बाद उसके बाप ने रुखसती नहीं की बच्ची की। ठीक है, अब रुखसती नहीं की, उसने मेरे क्या किया, मेरे खिलाफ केस कर दिया तीन, एक कुले का और एक आत्मेर का और तीसरा खर्चे का। जब से उसने रुखसती ही नहीं दी, दूसरी बात यह है, वक्त से पहले मुझसे वो जेवर ले गया उसका बाप, और मुझसे 5 लाख रुपया उधार भी ले गया। मैंने मांग मांगा, तंग आ गया, तो उसने ये किया। तो मैं बताएं मैं क्या करूं, पैसे कैसे ले लूं, तो बताएं मैं रुखसती जो उसने नहीं दी, क्या मैं हक, मेरे बच्चे ने हक मैर भी दे दिया था बच्ची लड़की को, लंदन चला गया तो उसने दे कह दिया ना मेरे पाप मर चुका है, मैं यतीम बच्ची हूँ तो मुझे पैसे दे दो। उसने 1 लाख रुपये उसका हक मैर दे दी। अब हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हमारा जेवर भी गया है, हमारा 5 लाख भी चला गया है और हक मैर भी देता, उल्टा उसने गुले का दावा कर दिया है, ना उसने बख्श। जी अब्दुल वहीद साहब, हम आपके क्वेश्चन हम समझ गए हैं, आप देखते रहें, हम आपके क्वेश्चन को अभी आंसर करते हैं। थैंक यू। जिससे पहले अमजद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि इनके ससुर की प्रॉपर्टी 86 में फौत हुए थे 2006 में, उनको कवारा शो करके। अच्छा ये देखें, लोकल कमीशन हमारे सब रजिस्ट्रार जो हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे, मतलब देखें कि इस तरह से करप्शन हम देखने में आते हैं, कि इस तरह से फ्रॉडुलेंटली ट्रांजेक्शन हो जाती हैं कि जो शख्स जो है वो जिस तरह यहाँ पे है कि इतने साल 1986 में उनकी डेथ हुई थी, 2006 में जो है उनको जिंदा भी और कवारा भी शो करके जो है वो सारा कुछ हो गया, ऑब्वियसली लोकल कमीशन के थ्रू होगा। तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं जी? इस सूरत में आप केस इनका ऑलरेडी पेंडिंग है, बिल्कुल केस इनका सिविल कोर्ट में पेंडिंग होगा, इन्होंने वो किया होगा, लेकिन इसके साथ साथ उसको प्रॉपरली आप कंटेस्ट करें और आप सारी अपनी एविडेंस प्रूव करें कि जी वो कमारा नहीं था जी। और वही बात फिर विटनेसेस पे आ जाती है, फिर कोर्ट प्रोसेस पे आ जाती है कि जी वो कमारा नहीं था, और उसमें आप विटनेसेस आप देंगे। जब एक कोर्ट में आपने सूट फाइल किया हुआ तो उसमें फिर हमारी ओपिनियन तो कोई नहीं रह जाती ना कि जी आप वो करें। हाँ, आपको इसमें जो उन्होंने जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसके ऊपर जो है वो 420 461 471 का आप जो है वो पर्चा दर्ज करवाएं उनके खिलाफ जो है, अगर वो FIR वो लॉन्च करवाएं, और वो जो वो सारी जो है अगर वो पुलिस जो है SHO को दरख्वास्त दें, अगर SHO आपका पर्चा दर्ज नहीं करता है तो फिर आप जो है वो सेशन कोर्ट से रिव्यू करें, 22 से 22B की एप्लीकेशन आप फाइल करें और वहाँ से जो है वो आप अपनी डायरेक्शन लें। अगर वो आपकी नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ आप कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन में जाएँ, अगर वो कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन में भी आपके पर्चा नहीं दर्ज करते तो फिर आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में जाएं और उसकी अपील वो जो जो आपने 22A 22B की जो रेमेडी है उसको अवेल करें, और इनके खिलाफ 420 460 471 के पर्चे जो हैं वो लाजमी आप जो है वो रजिस्टर करवाएं, ताकि दोनों प्रोसीडिंग जो है वो आपके काफी सबूत हो जाएगा कि अगर इनकी बेटियां, उन्होंने बताया कि वो पेश हो जाती हैं अदालत में कि इनको कवारा शो किया गया, जबकि ये रिकॉर्ड है हमारे पास, ऑब्वियसली इनके आईडी कार्ड बाप के नाम से भी बने होंगे पहले, उनके पहले बे फॉर्म जो बने होते हैं। मेरा ख्याल इस केस में काफी सबूत ही हो जाएगा कि हम बेटियां हैं और कवारे प्रॉपर्टी करके, तो इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन जो हुई है ये सारी जो है वो धोखाधड़ी से की गई है, तो मेरा ख्याल काफी सबूत मैं थोड़ी सी जरा इनकी भी यहाँ पे बात करती चलूं कि एक बाप की डेथ हुई है 1986 में फौत हो चुके हैं और 2006 में इनकी ज़मीन जो है वो फरोख्त कर दी गई हुई है। 1986 से लेकर 2006 का जो अरसा है वो काफ़ी अरसा बन जाता है, इतने अरसे में ये कहाँ थे, इनको क्यों नहीं अवेयरनेस हुई कि हमारी प्रॉपर्टी है? अगर इनके वाला सब थे और वाला साहब की डेथ हो गई और वाला साहब की प्रॉपर्टी का उसकी औलाद को पता होता है कि उसकी प्रॉपर्टी है, तो क्या उस वक्त भी इनकी प्रॉपर्टी जो है वो इनके पोजेशन में नहीं रही? क्वेश्चन तो यहाँ पे ये रेज होता है कि यही अवेयर नहीं थे, और इनको आके जो अब आके तो 2006 के बाद अगर 2006 में फरोख्त हुई है तो फिर इसका मतलब है कि इन्होंने केस भी 2006 में किया या 2007 में किया, तो केस इन्होंने 4 साल बाद किया और 1986 से लेकर 2006 तक जो है वो इन्हें मालूम ही नहीं, इन्हें इतना अरसा इनको पता ही नहीं चला कि हमारी प्रॉपर्टी है और हमारी प्रॉपर्टी जब वो सेल हो रही है, जब प्रॉपर्टी सेल होती है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका पोजीशन होता है। अगर इनके पास पोजीशन है तो फिर तो इनका केस बहुत आसान हो जाएगा, अगर इनके पास पोजीशन नहीं था तो फिर इनको भी नहीं मालूम था कि हमारे बाप की प्रॉपर्टी किस जगह मौजूद थी। बिल्कुल जी, मोस्टली देखने में यही आया है कि जो हमारे ओवरऑल मतलब माशरे में सुस्त रवि जो है वो बहुत
जो है वो कॉमन है। यहाँ पर प्रोग्राम की आखिरी कॉल में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जल्दी से अपना क्वेश्चन बताइए। जी कॉनर कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी नाम बताइए, हम आपको सुन रहे हैं। जी रिजवान बात कर रहा हूँ। जी रिजवान साहब सवाल बताइए। सवाल 5-6 दिन पहले भी आपको कॉल की थी लेकिन आपने सही उसका जवाब नहीं दिया। जी रिपीट कीजिएगा। जी सवाल ये था कि बीवी मेरी रोड के चली गई हुई थी 2007 में, ठीक है, तो उसने बच्चा छोड़ के गई थी, ठीक है, उसने जाके अपना पिटीशन दायर कर दी थी सेशन कोर्ट में, ठीक है, तो सेशन कोर्ट में वो पिटीशन जो खारिज हो गई थी मेरे हक में फैसला हो गया था। ठीक जी है। ठीक है 491 CRPC उन्होंने हैबियस कॉर्पस की पिटीशन की, उसने अब हाई कोर्ट में कर दी थी। जी ठीक है, तो हाई कोर्ट में मेरा सुलहनामा हो गया वो। जी ठीक है, हाई कोर्ट जज साहब ने कहा कि जाके ले आए, ठीक है, गया हूं लेने लेकिन वो मेरे साथ नहीं है, वो हम सुलह करके आ गई है मेरे साथ, यहाँ आकर मैं गया हूँ लेने अपने गांव के मौजदों साथ बंदे लेके गया हूँ लेकिन वो फिर मेरे साथ नहीं आई, ठीक है, तो मैं वो बच्चा लेना चाहता हूँ, बच्चा उन्होंने हाई कोर्ट ने सुलह के जरिए उसको दिया हुआ है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा आप मुझे बताइएगा बच्चे की उम्र जो है वो, मेरा ख्याल आपका सवाल हम डिटेल में थे उस दिन, हमारे साथ शायद अमजद मीर साहब मौजूद थे, खैर आप मुझे बताइए कि आप जो है वो अब बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र 3 साल है। जी हाँ जी, तो बच्चा जो पहले सेशन कोर्ट में वो मोशन अटैचमेंट के जरिए मेरे पास आ गया था। जी बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, कॉल करने थैंक यू वेरी मच रिजवान साहब। जी प्रोग्राम का जो है वो वक्त काफी जो है वो यहाँ पे अगर हम कुछ कॉलर हमें यहाँ मैसेज देना चाहेंगे, अगर किसी कॉलर की बात जो है वो हम यहाँ पे नहीं सुन पाते तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारी प्रायोरिटी होती है कि प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले उस कॉलर को लिया जाए जिसकी जो है लास्ट कॉल जो है वो मुकम्मल नहीं कर सके थे। अब्दुल वहीद साहब मौजूद थे, मैं वहीद साहब का सवाल का जवाब जो है ना वो मैं तो बस 2-3 मिनट में बल्कि 1 सेकंड में दे दूंगी। कि वहीद साहब ने कहा कि मैंने बेटे की शादी की लेकिन मैंने रुख्सती नहीं की और उन्होंने केस जो है वो खुले का दायर कर दिया, हक मेहर और खर्चे का कर दिया, जबकि 5 लाख रुपया और जेवर जो है वो इनका उनकी तरफ ड्यू बनता है, उसके लिए जो है 5 लाख और जेवर के लिए आप सूट फॉर रिकवरी करें, आप अपने वो इन आर्टिकल्स की भी करें और इस 5 लाख की अमाउंट की भी करें, और बाकी जो केस उसने अगर खुले का और हक मेहर का वो दायर किया है तो उसमें जो है वो आप ये रुख्सती का इसके लिए भी वही फिर बात आ जाती है कि कोर्ट प्रोसेस आप एविडेंस करें कि एविडेंस आप प्रूफ करें कि जी हम लोगों की जो है वो जो इसकी रुख्सती ही नहीं हुई जी, है जी खुला के लिए वो किया है जी, विड्रॉ करना जी बिल्कुल वो इस तरह से पहले कि जब रुख्सती नहीं होती है तो इसका मतलब है कि डावरी आर्टिकल्स भी नहीं दिए गए, जहेज तो तभी दिया जाए जब लड़की की रुख्सती का होता है, वो जरूरत लड़कियों की होती है, फिर उसके बाद जो है वो हक मेहर है वो हक मेहर भी फिर उस वक्त तक नहीं होता कि जब तक वो अपने खामन के पास नहीं जाती है, वो एंटाइटल ही नहीं होती है कि वो हक मेहर का जो है वो बल्कि इसमें वो हमारा शरिया भी इसमें काफी ज्यादा रिलैक्सेशन देती है हस्बैंड्स को भी कि अगर आपकी वो 3-4 चीजें हैं कि अगर आपकी कंज्यूमेशन नहीं होनी, फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता तो हक मेहर के लिए एंटाइटलमेंट थी, या खलवत सहीहा की एक टर्म यूज की जाती है कि एटलीस्ट जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ को इतना मौका हो कि वो मतलब उनकी कोई तन्हाई में मुलाकात, उसके बाद जो है वो हक मेहर आधे हक मेहर के लिए तब भी जो है वो एंटाइटल रहती है, अगर वो भी नहीं हुई तो फिर उनको हक मेहर के लिए भी एंटाइटल नहीं रहती आपके केस में जिस तरह से आपने बताया, तो उसमें उसके लिए ज्यादा इनको परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसा कि आपको जो है वो मैडम ने बताया कि 5 लाख रुपया जो आपका है उसके लिए आपने बताया कि सूट फॉर रिकवरी करना पड़ेगा इनको जो है। जी बिल्कुल सूट फॉर रिकवरी करना पड़ेगा अपने जेवरात के लिए भी और अपने 5 लाख रुपए के लिए। लास्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोग्राम में ऐड करेंगे। जी माजरा खातर रिजवान साहब आपके सवाल को इन डिटेल जो है हम अपने अगले प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। आपसे मैसेज लेना चाहेंगे, आपने दूसरी दफा हमें बहुत वक्त दिया है। हाउ डू मैं तो जी बिल्कुल यही मैसेज देना चाहूंगी कि ये जो मैं जितनी देर यहाँ पर बैठी हूँ लोगों के छोटे छोटे से क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि जी मेरी बीवी रूठ कर चली गई या वो बच्चे को ले गई या ये इस तरह करके, लेकिन जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। इस जगह पे आके मैंने ये देखा है कि कानून हमारे ऑर्डिनेंस कोई भी जो है वो हेल्पलेस हो जाते हैं, ये सारे जो वाकयात हालात होते हैं ये सेंटीमेंट्स पर होते हैं, तो इसको जो है वो टेक्निकल तरीके से इमोशंस को देख कर जो है इसको वो फिक्र करके वो करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ आप वक्त निकाला, आपने हमारे साथ शामिल हुई, यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। जी थैंक यू वेरी मच, तमाम कॉलर्स को मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगी जिन्होंने आज हमारे प्रोग्राम में कॉल की, मैडम का भी थैंक यू वेरी मच जो आज टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। फीडबैक ज़रूर लिखिएगा, आपको हमारे
हमारी ये कोशिश कैसी लगी, क्योंकि आपके फीडबैक ही हमारी इनकरेजमेंट और मोटिवेशन है। हर घर में मुख्तलिफ तरह के इश्यूज होते हैं, लेकिन आप खुले दिल से इन इख्तलाफात को रिजॉल्व करें एंड लव योर फैमिली, प्रोटेक्ट योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंसाफ 24/7 विद इरम एंड इरफान। अल्लाह हाफिज़।